पालन अधिकारी सिरमौर के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के विरोध में और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसियों ने सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला करवाने की बात कही है। आपको बता दें कि रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक के पी त्रिपाठी का सिरमौर जनपद पंचायत क्षेत्र के सीईओ एस के मिश्रा से बातचीत करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसमें विधायक के पी त्रिपाठी जनपद सीईओ से सख्त लहजे पर बातचीत कर धमकी दी थी। ऑडियो वायरल होने के तुरंत बाद सिरमौर जनपद पंचायत के सीईओ के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया, जिसके बाद हमले के शक की सुई बीजेपी विधायक पर अटक गई। वहीं पुलिस ने सीईओ की शिकायत पर बंकिया मंडल अध्यक्ष मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू विवेक गौतम विजय गुप्ता के साथ एक दर्जन अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल बीते दिनों सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अपने चहेतों को बिना कार्य किए भुगतान करने के लिए फोन करते हुए धमकी दी थी, जिसके बाद जनपद सीईओ एस के मिश्रा तथा विधायक के पी त्रिपाठी की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा। वहीं बीजेपी विधायक की बातचीत किया गया ऑडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके चंद घंटों के भीतर ही जनपद पंचायत के सीईओ एस के मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया। इधर सीईओ के ऊपर प्राणघातक हमले के बाद सिमरिया से पूर्व विधायक अभय मिश्रा, शहर अध्यक्ष गुरमेश सिंह मंगू, पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल, कांग्रेसी नेता कुंवर बहादुर सिंह, कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष भगत शुक्ला अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेसियों ने क्या कहा है। एक बात का माहौल व्याप्त हो चुका है। एक विधायक के ऊपर सीओ के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप है। सीओ खुद कह रहा है कि हमको विधायक से खतरा है, ऐसे में क्या मानते हैं आप कि जंगल राज कायम हो चुका है? ये जंगल राज एक दिन का जंगल राज नहीं है। ये यहाँ का जो प्रशासन तंत्र है, मुख्य रूप से कलेक्टर और एसपी, इनकी नेग्लिजेंसी है। राजेंद्र शुक्ला जी जो हमारे यहाँ के सम्मानित विधायक जी हैं, उनको अपराधी पालने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने एक अपराधी को टिकट देके सिमरिया में एक अपराध राजकर का एक शूटर अपने समझ में कायम किया है। और आज आप देख लीजिए भाजपा के जितने पदाधिकारी हैं या मनीष शुक्ला लोग जो ये मुजरिम हैं, ये सब रीवा के जाने माने हिस्ट्री सीटर हैं, एक तरह के यहाँ के शूटर हैं और ये पदाधिकारी बने हुए हैं। रामचंद्र को जब मारा गया जनपद में घसीट घसीट के, रामचंद्र बाबू को, प्रदीप दुबे को मुर्गा बनाया गया रीवा जनपद में, हरीश चंद को जब मारा गया यहाँ रीवा जनपद में, कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई सुनवाई हुई क्या? इसके बाद आपके रामानंद पत्रकार पे हमला होता है, प्रमोद शर्मा में हमला होता है, समदरिया वो जो सनी समदरिया पे हमला होता है, इसके बाद शराब दुकान पे हमला होता है। और आपने हर हमले में देखा होगा आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा काउंटर केस, और उल्टा काउंटर केस में उनके ऊपर उल्टा केस। और आज और ये जैसे हमारे एसपी साहब, हमने कहा, मैंने माना कि आप ईमानदार हैं, गलत काम नहीं करते, लेकिन आपकी ईमानदारी का क्या फ़ायदा? जब से आप आए हैं तब से इतनी चीज़ें आपके सामने हैं और इसी का परिणाम है कि आज हौसला बढ़ा है तो आज सीओ पे ये हमला हुआ। सीओ बार बार चिल्ला के कह रहा है कि हमको विधायक से जान का खतरा है, हमारे साथ बातचीत के बाद हमारे ऊपर हमला करवाया गया। सीधे क्यों नहीं कहेगा? सुबह दो घंटे तीन घंटे पहले वो धमकी दे रहा, 3 घंटे के अंदर वो हो रहा। और वहाँ का सबसे बड़ा अपराधी रीवा में बैठा है नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम, जो इनसे बड़ा अपराधी और पूरा अपराध की जड़ में सदस्य पकड़ना उसका काम, गुंडागर्दी करना उनका काम, तमाम तरह के अपराधों में मिलीभगत होना उनका काम। वो सीओ से रिपोर्ट नहीं लिखाने दिए, उसके विधायक के भाई का नाम नहीं लिखाने दिए, बहुत सारे लोगों के ये जानबूझ के भेजे। वो नहीं जा रहा था बेचारा कि हमारे साथ मारपीट होगी, जान का खतरा होगा, ये षड्यंत्र में एसडीएम शामिल थे, जानबूझ के भेज के मरवाया, रिपोर्ट नहीं होने दी। आज प्रशासन की स्थिति ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा ना, कलेक्टर कोई कार्रवाई करेंगे, आप देखिए कि केवल विधायकों का गलत सही सब करना और बाकी इनकी लूटपाट।
इस समय रीवा को पूरा जंगल राज बना के रख दिया है। सिमरिया हमारे अपराध के उसमें झोंक दिया गया है। एक अपराधी विधायक के द्वारा पूरी सिमरिया हमारी जल रही है और अब हम लोग सड़क पर उतर आए हैं। अब इसके मुक्ति की लड़ाई हम लोगों को लड़नी ही पड़ेगी। आप ध्यान रखिएगा, अभी तो ये सीओ पे हुआ, अगर ये पहले कहीं कार्रवाई करे होते तो इतने हौसले नहीं बढ़ते। अब जब इनके पुलिस के अधिकारियों के ऊपर वही विधायक द्वारा और हौसला अफजाई करके हमला होगा, कल और होगा। ये रीवा को ये किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या ये बिहार बनाना चाह रहे हैं? हम बिहार थोड़ी बनने देंगे रीवा। आप लोग मिले थे एसपी साहब से, क्या विधायक जी के ऊपर भी मामला दर्ज होगा? क्यों नहीं होगा, जब वो वीडियो में आरडीओ में सीधे धमकी है, 3 घंटे के अंदर वो है और उनके पदाधिकारी सीधे वो नाम जब रिपोर्ट करते हैं तो 120B कहे के लिए बनी, एसआईटी जी आज कहे के लिए बनती है? एसआईटी जांच कब होगा तो जन आंदोलन होगा पूरे जिले में, पूरे जिले में जन आंदोलन। यदि नहीं होता तो कब तक आप लोग? हम लोग अभी मुश्किल से 5 दिन के अंदर सिरमौर का घेराव करेंगे और पूरी लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। हमें मालूम है रीवा में क्या हो रहा है। रीवा में ये है कि अगर रीवा को बिहार बनने से बचाना है और हम लोगों को बाल बच्चे के साथ अगर जीना है तो आर पार की अब लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी पड़ेगी और हम लोग इस लड़ाई को अब जारी रखेंगे, जो होगा देखा जाए। आज आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ आए? भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्ता के नशे पे चूर होके प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर उनके मंडलम अध्यक्षों ने हमला कर दिया। इससे पहले भी रीवा शहर के अंदर एक मंडलम अध्यक्ष ने हमला किया। प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए, गलत काम कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक केपी त्रिपाठी जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर होके सत्ता के लोगों को मारपीट कर रहे हैं, आम जनता मरण में भय का वातावरण, सेमरिया में आज की तारीख में भय का वातावरण है और यह वातावरण पूरे जिले के अंदर है। दिलीप तालाब में जाइए, वहाँ भय का वातावरण, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुंडागर्दी पर उतारू हैं। उसी को लेके हम एसपी साहब के पास आए थे कि अगर आपने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया तो जनता के साथ हम सिरमौर का, रीवा का, पूरे जिले का घेराव करें। कांग्रेस ने इतनी देर क्यों कर दी कल की घटना दोपहर की? कल शाम को 4:13 में जनपद सीओ के साथ मारपीट हुई आदरणीय, 4:13 में वीडियो वायरल हुआ है। तब शाम को 6 बजे एसपी के पास आने का कोई नया संगत नहीं है, इसलिए फोन में बात लगातार हो रही थी। अब प्रशासनिक अधिकारी एसपी कलेक्टर सब संजय गांधी पहुंच गए थे। ऑडियो वायरल हुआ और घायल ये कह रहा कि हमारा, देखिए ये 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 हमको जान का खतरा है। इसके बाद भी मामला, ये रीवा की जिले की जनता को जान का खतरा हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये नंगा नाच जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनको ये सब, आज जनता खतरे में, कल पत्रकार खतरे में होंगे। एक पत्रकार के साथ भी केपी त्रिपाठी ने अन्याय किया था। गिरफ्तार नहीं हुए हैं, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गिरफ्तार कर लीजिए, अपने आप शांति हो जाएगी। हमने तो एसपी से कहा उसको गिरफ्तार कीजिए, अगर रीवा जिले में शांति रखना है तो केपी त्रिपाठी के ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए और उसे गिरफ्तार कीजिए, शांति अपने आप आ जाएगी। आज भी मामला दर्ज नहीं होता तो क्या कांग्रेस सड़क पर उतरेगी? कांग्रेस सड़क सही है, जनपद सीओ के ऊपर हमला हुआ था जानलेवा, क्या पूरा मामला है, किस तरीके अभी तक कार्रवाई की गई? सुरेश कुमार मिश्रा सीओ सिरमौर हैं, ये कल सास की कार करके वो लौट रहे थे, लौटते समय उनको 3-4 व्यक्तियों के नाम लिया, उनमें सिद्धू शुक्ला, विवेक गौतम, विनय शुक्ला और उनके साथ 18-20 अन्य आदमी के साथ, उनके साथ दो गाड़ी रोक करके मारपीट की गई, उनमें चोटें आई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस हॉस्पिटल गई और उनसे बातचीत करने के बाद मौके पर ही जो है पकड़बंदी रख दी है। कार 147, 148, 149, 307, 353, 332, 341, 342, 294 का प्रकरण पंजीकृत किया गया और उनकी डॉक्टरी कराई गई। वर्तमान में टीम लगी हुई है जो फुटेज और अन्य चीज़ों का कलेक्शन कर रही है। साइबर सेल भी जो है पुलिस अधीक्षक महोदय ने भेजा है, उस पर काम चल रहा है। सर ऑडियो वायरल हुआ, एक ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ, उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर विधायक केपी त्रिपाठी ने हमला करवाया, क्या उनके ऊपर भी मामला दर्ज होगा? ये विवेचना का विषय है, अभी उसकी विवेचना हो रही है, विवेचना के तब तक सामने आएंगे, जो साक्ष्य सामने आएगी तब उसके अनुसार कार्रवाई। सर आरोपी गिरफ्तार हुई नहीं हुई? प्रयास जारी है, अभी साक्ष्य का संकलन हो रहा है, विवेचना चल रही है, साक्ष्य एकत्र करने के बाद जो आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया। Thank you.